हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना टिकट ट्रेन में किस तरीके से बुक करेंगे। IRCTC ने अपनी वेबसाइट में काफ़ी सारा चेंजिंग कर दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो IRCTC ने अपनी वेबसाइट में जो चेंजिंग किया है उससे हम किस तरीके से अपना टिकट बुक करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ टिकट बुक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। IRCTC पे अपना टिकट बुक करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। या आप मोबाइल फ़ोन में यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर राइट साइड में जाएगा ऊपर में और यहाँ 3 डॉट मिलेगा। ये 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप मोड को आप इनेबल कर लेंगे। इसके बाद अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो आप लैपटॉप में डायरेक्ट कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आप उसमें IRCTC.co.in टाइपिंग कीजिएगा। टाइपिंग करने के बाद इंटर कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि IRCTC ने काफ़ी यहाँ पे चेंजिंग कर रखा है, जो पहले कुछ इस तरीके से नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है। टिकट बुक करने के लिए आप अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि PNR स्टेटस का ऑप्शन है। तो अगर आपका टिकट बुक हो जाता है तो अपना PNR नंबर जो है यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, या अपना चार्ट वगैरह जो आपका टिकट बुक करते हैं तो चार्ट वगैरह जो वहाँ पर स्टेशन पर लगता है तो वो भी आप यहाँ से चार्ट वगैरह यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर है कि टिकट बुक करने के लिए तो यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जैसे अपना होम स्टेशन आपका कहाँ है वो आपको यहाँ पे डालना है, और कहाँ के लिए जा रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली आ चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कहाँ के लिए जा रहे हैं वो टू वाला में डाल देना है। कौन सा डेट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं, वो डेट इसमें से चूज़ कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट मंथ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 1 फरवरी में जाना चाहता हूँ 2021 में, तो यहाँ से मैं डेट चूज़ कर लिया। यहाँ से आप क्लास चूज़ कर सकते हैं, जैसे कौन सा क्लास में आपको ट्रैवल करना है, जैसे AC, 2AC, स्लीपर, तो यहाँ से आपको क्लास चूज़ कर लेना है। यहाँ कोटा आपको चूज़ कर लेना है, लेडीज़, दिव्यांग या सीनियर सिटीजन जो भी है। चलिए मैं जनरल रहने देता हूँ। इसको सिंपली यहाँ सर्च वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से ये जो वेबसाइट है ये ओपन होके आ जाता है। ओपन करते ही देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से काफ़ी सारा यहाँ पे चेंजिंग कर रखा है IRCTC ने। पहले कुछ अलग सा था, पहले अलग ही लुक था जो IRCTC का, अब यहाँ पर काफ़ी सारा चेंजिंग कर रखा है। यहाँ पर देखने का स्पेशल तत्काल स्पेशल का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। पहले जो था ना इस साइड में ऑप्शन आता था, जो रेगुलर इसका कस्टमर है वो जानते होंगे कि पहले किस तरीके से टिकट बुक होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता था इस साइड में जहाँ से टिकट बुक होता था, बट पहले से यहाँ पर बहुत ही आसान कर दिया है टिकट बुक करने के लिए। तो काफ़ी सारा चेंजिंग भी कर रखा है, काफ़ी सारा आसान भी पहले से कर दिया है IRCTC ने टिकट बुक करने के लिए। आप पहली बार देखिए देखते होइएगा तो लगता होगा कि नहीं बहुत हार्ड है, बट पहले से बहुत ही सारा आसान और सिंपल तरीका कर दिया है। यहाँ पर देखिए कि आपका कौन सा डेट में आप यहाँ से जा रहे हैं वो डेट यहाँ पर शो करता है, कहाँ कौन सा स्टेशन से जा रहे हैं वो शो करेगा, कितना टाइमिंग है वो, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ का टाइमिंग कितना बजे पहुँचाएगा, वहाँ का स्टेशन, वहाँ का जो है डेट यहाँ पर आपका शो कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शो करता है। टिकट बुक करने के लिए आपको सिंपली जो भी डेट में जाना चाहते हैं उस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये इसका हायर ऑप्शन हो चुका है। आप चाहते हैं कि हम इससे अगला पहले के डेट में देखें टिकट, तो सिंपली अदर डेट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आपको जो अगला डेट है वो अगला डेट का आप यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसे देखिए 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से ये आपका शो कर देता है। या आप सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट डे प्रीवियसली, तो यहाँ पर प्रीवियसली के लिए मतलब एक दिन पहले के लिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेट में अवेलेबल है। तो यहाँ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं, या नेक्स्ट डे में आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा डेट में अवेलेबल है। टिकट बुक करने के लिए सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा। ये जो भी गाड़ी में आपको जाना है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको ये 31 जनवरी में बुक करना है जैसे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन है, हम ही बुक नाउ पे ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे आपका आईग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका बोल रहा है कि साइन इन होने के लिए आप अकाउंट पहले से बना रखे हैं, तो यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और यह कैप्चा इसके अंदर होगा, रिफ्रेश कीजिएगा, इसके अंदर कैप्चा आपका आ जाएगा।
तो आपको ये कैप्चा इसमें डाल के यहाँ साइन इन कर लेना है। अगर इस पर आप अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं तो मैं इस पर वीडियो बना रखा हूँ, मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, जहाँ से जाने के बाद क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से बहुत ही आसानी से आप देख पाएगा कि किस तरीके से IRCTC पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे, या आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ रजिस्टर वाले पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। चलिए हम पहले से बना रखे हैं, यहाँ पर हम अपना यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल के यहाँ पर साइन इन हो जाते हैं। साइन इन होते ही देखिए यहाँ पे मैं साइन इन हो चुका हूँ और मेरा यहाँ पे अकाउंट भी आ चुका है। अब यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से टिकट बना सकते हैं। तो यहाँ पे पैसेंजर का नाम डाल देना है, यहाँ पे एज डालना है, यहाँ जेंडर है मेल है फीमेल है जो भी यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ नो प्रेफरेंस में आपको विंडो लेना चाहते हैं या नो प्रेफरेंस, यहाँ तो इसको भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विंडो साइड डाल देता हूँ, इसके बाद इंडिया आपको इसमें रहने देना। चलिए मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम डाल दिया, मैं यहाँ पे एज डाल दिया, यहाँ मेल, यहाँ विंडो साइड, यहाँ पे इंडिया है। इसके बाद अगर आपके एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो यहाँ पे एड वाले पे क्लिक करके इसमें और पैसेंजर का नाम इसमें जोड़ लेंगे, जैसे नाम, एज, जेंडर, प्रेफरेंस, मतलब विंडो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, इंडिया ऑलरेडी आ चुका है, वो जितने पैसेंजर जोड़ना चाहते हैं इस तरह प्लस वाले पर करते जाएंगे और इसको जोड़ते जाएंगे। चलिए हम एक ही रहने देते हैं, तो सबको हम यहाँ से डिलीट करके इसको हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने, जो भी पैसेंजर है उसका पैसेंजर के यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नोट में है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। जैसे आप जैसे ट्रैवल करते हैं तो आपको साथ एक आईडी होना चाहिए, जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी है तो आपके पास एक आईडी होना चाहिए। इसके बाद पहला ऑप्शन यहाँ पर अपना जो है फुल फॉर्म नेम सबमिट करेंगे पैसेंजर इन साइड में, ठीक है। यहाँ मैं फुल फॉर्म नेम डाल दिया हूँ, इसके बाद वही आपको आईडी लेके जाना है, जो आप आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पर नाम डालना है। तो ये अभी जो है सभी आपको जो यूट्यूबर्स है ये बात आपको नहीं बताएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि योर डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं वहाँ का आपको इसमें एड्रेस डालना है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, नहीं दिल्ली, यहाँ पे ऑपरेशनल है छोड़ सकते हैं, भी ऑपरेशनल है छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, पिन नंबर। इसके बाद सिंपली यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, दिल्ली आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट सिटी, यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली जो भी देना चाहते हैं इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे देखिए आ चुका है आपका, इस पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अदर परफॉर्मेंस में, यहाँ पे अगर आपका वेटिंग का टिकट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेटिंग का टिकट है जो भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहे, तो सिंपली यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देंगे ये। अदरवाइज अगर आपका कन्फर्म है तो इसको भरने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस, आप ट्रैवल करने टाइम में आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो सिंपली येस वाले पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो वाले पर क्लिक करेंगे। मैं लेना चाहता हूँ तो इस तरीके से येस वाले पर क्लिक आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इस पर क्लिक करके इसका टर्म एंड कंडीशन को आप इसमें से रीड कर लेंगे। यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन आपको दे रखा जो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, अगर आपको ट्रेवल टाइम में अगर आपको डेथ हो जाता है तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 लाख रुपये तक का आपको यहाँ पर मुआवजा मिल जाता है। यहाँ पर आपका कोई ट्रेवल टाइम कर रहे हैं उस टाइम में आपका कुछ यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, मतलब हाथ पर हमेशा के लिए टूट जाता है, अपंग हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर 10 लाख का आपको मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपका कुछ डिसेबिलिटी हो जाता है कि भाई हाथ पर लूला अपंग हो जाता है, तो इसके लिए आपको 7.5 लाख का आपको यहाँ पर मुआवजा दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा है जो है आपको इंजरी है, रिमेंट्स है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो ट्रेवल टाइम में कुछ हो जाता है तो उससे आपको मिलता है। गौर ना करें कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो आप सही अच्छा से जर्नी कीजिए। इसके बाद सिंपली यहाँ पे पेमेंट मोड का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट, भारत बारकोड, पे से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कन्वर्सेशन फीस है आपका 15 रुपये प्लस GST है, या आप यहाँ पे थॉट मतलब भीम UPI से करना चाहते हैं तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इससे आपको 10 रुपये प्लस GST लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाले को चूज कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ कंटिन्यू वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपका नया पेज यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपका जो भी जर्नी है वो यहाँ पे आपका शो कर देता है और यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे आपका शो करता है। इसके साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा जा रहा है कि योर टिकट विल बी सेंड, मतलब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी आपका टिकट सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उसका नाम आ जाता है, उसका ईयर, मेल, इंडिया, विंडो साइड में चूज किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप कंटिन्यू वाले पे ओके करेंगे। कंटिन्यू वाले पे ओके करने से पहले इसमें आप कैप्चा है, कैप्चा आपको इसमें फिलअप कर देना है। इस तरह से इसको रिफ्रेश करके कैप्चा ले आएंगे, या कैप्चा आ गया, कैप्चा इमारत यहाँ पर डाल के यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का
मेथड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे नेट बैंकिंग, भारत बार कोड, वॉलेट, तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं सिंपली उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग चूज करता हूँ तो जितने भी बैंक है वो बैंक का नाम आ जाता है। यहाँ से भारत बार कोड से करना चाहते हैं तो ये आ जाता है, वॉलेट से करना चाहते हैं तो आपका आ जाता है। इसी तरीके से जो भी आप पेमेंट जिससे भी पे करना चाहेंगे वो आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। जैसे मेरा यहाँ है IRCTC और मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, तो मैं इसी से भी आप कर सकते हो या इसमें से आप कर सकते हो IRCTC iPay, जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यही यहाँ बोला जा रहा है कि RS10 प्लस एप्लीकेशन टेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी बैंक आप चूज कीजिएगा इस तरीके से आपका यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ बुक एंड पे एंड बुक पे ओके कर देना है। ओके करते यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कुछ वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम जो भी नेट बैंकिंग का है पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके यहाँ पे रिफ्रेश होके यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपका पूरा अमाउंट आ जाता है, यहाँ का रिजर्वेशन आईडी आपका आ जाता है, यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। आप सभी यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ऐप कोड ये है इंटरनेटेड है और यहाँ पे टैक्स आईडी, तो यहाँ पर पूरा आपको इस तरीके से आ जाता है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के आप रख सकते हैं। इसके बाद सब कुछ होने के बाद सिंपली यहाँ कन्फर्म वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है दोबारा से कन्फर्म करने के लिए, जो मैं दोबारा से कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद आपके जो यहाँ देख रहे हैं सिक्योरिटी कोड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं सिक्योरिटी कोड डाल दिया, यहाँ से मैं कन्फर्म वाले पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यानी इनवैलिड मैं दोबारा से डाल देता हूँ सिक्योरिटी कोड। कोड डालने के बाद सिंपली यहाँ कन्फर्म वाले पे ओके करेंगे। ओके करते यहाँ देखिए कि आपके अकाउंट से यहाँ पे सक्सेसफुली जो पेमेंट हो चुका है और 370 रुपये आपके अकाउंट से हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह ये ऑटोमेटिकली आपके जो है वेबसाइट पे ये ओपन होगा। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद ये टिकट आपका कन्फर्मली बुक हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा के आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली बुक ए टिकट, मतलब आपका टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ PNR नंबर भी आपका दे दिया है, यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं वो आपका डेट और यहाँ पे स्टेशन का नाम आ जाता है, कौन सा डेट में जा रहे हैं वो आ जाता है और कौन सा डेट में आपको वहाँ पहुँचाएगा वो भी डेट यहाँ पे आ जाता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए पैसेंजर डिटेल में आपका पैसेंजर का नाम आ जाता है। यहाँ पे इसका एज मेल इंडिया और कौन सा साइड है विंडो साइड है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ देखिए कि बुक स्टेटस यहाँ कन्फर्म है, यहाँ कोच है, यहाँ पे बर्थ मेरा ये है और यहाँ बर्थ टाइप मेरा विंडो साइड है, तो ये वो यहाँ पे शो कर देता है। तो मेरा टिकट कन्फर्मली बुक हो चुका है और ये कन्फर्म है। यहाँ पे आपका देख रहे हैं पेमेंट डिटेल में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाता है, जो भी बैंक से आप पेमेंट किए हैं वो बैंक का डिटेल यहाँ पे आपका आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आइएगा, अगर आप अपना टिकट को कैंसिल वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे माय अकाउंट में जाएंगे, यहाँ से अपने टिकट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। टिकट को कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं टिकट का जो है टिकट हिस्ट्री, टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री, वो आपके इस तरीके से यहाँ पे आपको शो कर देता है। इसके बाद अपने टिकट को आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए या आप यहाँ पे स्नैपिंग टूल है इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप सिंपली यहाँ प्रिंट आउट का ऑप्शन है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो इससे प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी आप अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में इसको आप सेव करके रख सकते हैं और जाके साइबर कैफे में या शॉप पर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो आपका ये प्रिंट आउट का ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये प्रिंट का ऑप्शन इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से इसको आप प्रिंट वाले पे क्लिक करके इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। तो अब इसको पाथ चूज कर लीजिए कहाँ रखना, चलिए मैं डेस्कटॉप पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे टिकट नाम डाल दिया। यहाँ से आप PDF भी चूज रहे कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ सिंपली सेव कर लीजिए। चलिए मेरा ये ऑल सेव हो गया है डेस्कटॉप पे, ये मेरा सेव हो गया डेस्कटॉप में, मैं आप इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा टिकट आ चुका है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा टिकट ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से टिकट बुक करके आप अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए और इसको आप जाके साइबर कैफे शॉप पर जाके इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।
तो देखा दोस्तों किस तरीके से IRCTC ने जो अपनी वेबसाइट में चेंजिंग किया है उससे हम किस तरीके से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके नीचे कॉमेंट कर दीजिए।